एजुकेशन का पर्पज यही होना चाहिए कि ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, ठीक है, यही होना चाहिए, लेकिन हम क्या है कि उसको करियर फोकस बना देते हैं। जैसे आप सरप्राइज होंगे कि इंडिया का सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है, तो पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, ये सब मिलेगा। सो मतलब हमारे नज़रिए से मोस्ट डेवलप्ड प्लेस है, और बेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ मिलेगा, मतलब बट नेचुरल केरला तो है ही, लेकिन बस्तर जैसे रीजन में, ठीक है, इनमें भी आपको बेहतर ट्राइबल एरियाज में बेहतर सेक्स रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट के नाम पे आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कई चीज़ें नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो एक अप्रोच होना चाहिए उसमें कमी के कारण है, जैसा एजुकेशन होना चाहिए वैसा हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली एजुकेशन सिस्टम इंडिया में बहुत सॉलिड था, बहुत अच्छा था, हमारा सोसाइटी बेसिकली नॉलेज बेस्ड सोसाइटी ही रहा है, कल्चरली हिस्टोरिकली नॉलेज बेस्ड सोसाइटी ही रहा है इंडिया, ठीक है। तभी हम नालंदा तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज हमारे पास थे, आज के ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से भी उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं थे, ठीक है। इस तरह का सोसाइटी हमारे पास रहा है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी रहा है, इनोवेटिव सोसाइटी रहा है, कि वी गेव लाइक जीरो एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो एक पूरा एक कल्चर रहा है, सब कुछ रहा है, ठीक है। लेकिन जीरो हमने दिया, ठीक है, बट 0101 01 बाइनरी करना हम नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली एक मेजर टर्न, मैं नहीं बोलूंगा कि सब कुछ मैं काले के ऊपर मैं नहीं डालना चाहता, लेकिन एक मेजर शिफ्ट इंडियन सोसाइटी के माइंडसेट पे, इंडियन एजुकेशन माइंडसेट पे, मैकाले के टाइम पे और ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया। मैकाले के बारे में आप सबको पता ही होगा कि ही वॉज बॉर्न जीनियस पर्सन, ठीक है, 15 दिन में एक नया लैंग्वेज सीख लेता था वो, ठीक है। तो इंडिया को जब रूल करने के लिए कोशिश कर रहे थे, अपने पांव जमाने की ब्रिटिशर्स कोशिश कर रहे थे, तो इंडिया के डाइवर्स कल्चर को देख के वो बड़ा डिस्टर्ब थे कि इसको हम कैसे रूल करेंगे परमानेंटली, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने मैकाले को पकड़ा, मैकाले को इंडिया लाया गया रिसर्च कराने के लिए, पूरा स्टडी कराने के लिए कि हाउ वी कैन रूल इंडिया, क्योंकि ये 15 दिन में नए कल्चर को, नए लैंग्वेज को समझ जाता है, तो पूरे इंडिया की जल्दी जल्दी स्टडी करके हमको एक परमानेंट रिसर्च बेस्ड अप्रोच देगा कि इंडिया को परमानेंटली रूल कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये ऐसा सोच के मैकाले को लाया गया इंडिया में। मैकाले यहाँ आया, 4 साल यहाँ पे स्पेंड किया, ठीक है। किसी की भी सैलरी उतनी हो सकती थी जितनी मैकाले की थी तब, ठीक है। तो उसको 4 साल इंडिया में रहा, इंडिया में कोई लैंग्वेज नहीं सीखता था, किसी स्टेट में नहीं जाता था, किसी कल्चर नहीं सीखता था। तो वायसराय उसको बुला के बोला कि यू आर नॉट डूइंग योर जॉब, तो मैकाले बोला कि नो आई एम डूइंग माई जॉब, डोंट वरी, ठीक है। तो वो पूरा घूमता रहा 4 साल, ऐसे ही रहा, बैठा रहा, और जाकर उसने ब्रिटेन में जाके संसद में पेपर प्रेजेंट किया कि हाउ इंडिया को, कैसे इंडिया को रूल करना चाहिए, और उस पर उसने बोला कि इफ वी वांट टू रूल इंडिया, तब हमको इंडिया का कोई लैंग्वेज या कल्चर सीखने की जरूरत नहीं है, हमारी कल्चर और लैंग्वेज इंडिया में थोपने की जरूरत है। दैट वॉज मैकाले से अप्रोच, ठीक है, कि हमको इंडिया का कोई कल्चर या लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, हमारी कल्चर और लैंग्वेज वहां पर सिखाने की जरूरत है, और इसको एक कल्चर या लैंग्वेज ना रखकर इसको एक क्लास बना दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री में लैंग्वेज को एक क्लास के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है बाय एलिट्स, ठीक है। जैसे पहले संस्कृत के साथ भी यही था, संस्कृत भी काफी इरा तक, काफी सेंचुरीज में यही काम किया कि कुछ लोग संस्कृत सीख लेते थे, अब बाकी लोगों को उसके बेसिस पे इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करके रूल करने का काम करते थे सोसाइटी वाइज, ठीक है। सेम इंग्लिश का इस्तेमाल करने की स्ट्रेटजी मैकाले की थी, अंग्रेजी से कोई प्रॉब्लम नहीं, जर्मन से कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रेंच से कोई प्रॉब्लम नहीं, अंग्रेजी से कोई प्रॉब्लम नहीं, अंग्रेजियत से प्रॉब्लम है, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, कि हम एक क्लास बना देते हैं और उसके हिसाब से पूरे सोसाइटी एजुकेशन सिस्टम को डील करने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज प्राइमरी नहीं होना चाहिए, लर्निंग और एजुकेशन प्राइमरी होना चाहिए। एग्जाम्पल है चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, जो अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी, अपने लैंग्वेज के साथ इतना ग्रो करके दिखा है, ठीक है, मंगोलियंस। तो लेकिन ये माइंडसेट रहा। दूसरा मैकाले ने जो मेजर नुकसान किया कि उसने एजुकेशन को पूरा करियर बेस्ड, नौकरी बेस्ड बनाया, ठीक है। उसने बनाया कि भाई हम क्लर्क तैयार करेंगे जो अंग्रेजी बोल सकें, अंग्रेजियत के साथ जी सकें, इस तरह का एक क्लास क्रिएट करने की कोशिश की। और एक गुलाम देश में
एक गुलाम देश में अगर इस तरह का क्लास क्रिएट होता है जो अंग्रेजों के साथ कंफर्टेबल हो, बट नेचुरल उसका ग्लैमर रहेगा, ठीक है। तो वहीं से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। दूसरा, आप उसी समय आप रियल मतलब याद करो कि वही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भी दौर है। कहीं ना कहीं कॉलोनिज्म उसी के बाद आता है कि माल को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो पैदा हुआ गुड्स थे, माल थे, उसको खपाने के लिए कहीं ना कहीं कॉलोनीज क्रिएट की गई थी। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया तो बेसिकली कुछ वर्कर्स की जरूरत थी कॉलोनीज में जो उनके हिसाब से माल क्रिएट कर सके। तो पूरी तरह से एजुकेशन करियर बेस्ड बन गया कि हम नौकरी कुछ मिल जाए, हमको कुछ पैसे मिल जाएं, इस पर बेस्ड हो गया एजुकेशन। जबकि एजुकेशन का मेन पर्पज था भाई कि जीनियस क्रिएट करना, ठीक है। आज अभी आप यूएस में भी देखो, है ना, यूएस में जितने भी आपके मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग, बिल गेट्स हो, ठीक है, कि स्टीव जॉब्स हो, सब बैक बेंचर थे अपने स्कूल के, ठीक है, सब अपने स्कूल के कॉलेज के बैक बेंचर्स थे, बट वो खिड़की से बाहर झांकते रहते थे, है ना। बट बाहर की दुनिया को झांकने की क्षमता थी उनमें कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली आउटसाइड दिस क्लासरूम, ठीक है। तो उन्होंने बाहर की दुनिया को झांकने की क्षमता थी, क्लास को नहीं सुनते थे वो लोग, ठीक है, विलिंगली अनविलिंगली आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन खिड़की से बाहर देखते थे, बट बाहर को देखने की क्षमता थी, ठीक है। दैट्स वाई दे आर जीनियस एंड दे आर सक्सेसफुल। इसी तरह से सिचुएशन को इंडिया में बहुत तेजी से बदल रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से बदलता हुआ ये देश है, बदलता हुआ भारत है। तो अभी आने वाले 15-20 सालों को आप इमेजिन करके उस हिसाब से चलो, यू विल बी अगेन ऑन टॉप, ठीक है, जीनियस हो गया, ठीक है। तो जीनियस क्रिएट करना हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं बंद कर दिया। एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा हम जीनियस की बात कर लिए, सक्सेस की बात कर लिए, बट अल्टीमेटली एजुकेशन का जो सबसे पहला पर्पज है कि एक अच्छे इंसान क्रिएट करना, वो कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं।